हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मीशो में बैंक अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मीशो यूज करते हैं और आप लोगों ने मीशो में अपना बैंक अकाउंट को ऐड करके रखा है और आप लोग किसी रीजन की वजह से अपना बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं मीशो से, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि मीशो से बैंक अकाउंट को डिलीट कैसे किया जाता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूं कि मीशो में आप लोग बैंक अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहां पे अगर आप लोग अपने मीशो में जो बैंक अकाउंट पे जाते हैं, माई बैंक अकाउंट एंड यूपीआई डिटेल्स, तो यहां पे मिल जाता है आप लोग को चेंज वाला ऑप्शन, लेकिन चेंज पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आप लोग को यह प्रॉब्लम आती है और आप लोग को यहां पे डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहां पे अगर आप लोग मीशो में बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप लोग मीशो से इजिली अपना बैंक अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मीशो में बैंक अकाउंट को डिलीट करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मीशो से कोई ऑर्डर कर दीजिए सस्ता सा, ठीक है, और आप लोगों को जो है ऑर्डर को रिसीव कर लेना होगा। कोई भी ऑर्डर है रिसीव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली अकाउंट में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो इसमें आप लोगों को डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को प्राइवेसी की वजह से अकाउंट को बैंक अकाउंट डिलीट करना है और करना ही करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी ऑर्डर आप लोग लगा दीजिए और ऑर्डर आप लोग का यहाँ पे घर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, माई ऑर्डर्स पे चले जाना होगा। अब जैसे कि मैंने ऑर्डर लगाया था, ये ऑर्डर मेरे पास आ चुका है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये प्रोसेस मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट को डिलीट करने के लिए किया है, ठीक है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है। मैंने कस्टमर केयर से भी बात करके देख लिया तो उन्होंने भी सब मना कर दिया है कि हमारे सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे आप लोग ना बैंक अकाउंट को डिलीट कर पाए। तो मैं डिलीट करूंगा एक ट्रिक लगा के, कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले मैंने अपना जो प्रोडक्ट है मैंने ऑर्डर कर दिया। आप लोग 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कोई भी प्रोडक्ट है मंगा लीजिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट आप लोग को आ जाता है, रिसीव हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट माई ऑर्डर पे क्लिक करके आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे रिटर्न एक्सचेंज का। मैंने लेकिन प्रोसेस कर लिया था तो यहाँ पे व्यू रिटर्न रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे अब यहाँ मिल जाता है रिक्वेस्ट रिटर्न अगेन, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग रीजन सेलेक्ट करेंगे। रिटर्न एक्सचेंज में रीजन सेलेक्ट करूंगा और आप लोग अपना जो रिटर्न है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मिल जाता है आप लोग को सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपका जो बैंक है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपना बैंक को चेंज कर देंगे लेकिन डिलीट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज पे क्लिक कीजिए। अब आप लोग को अपना कोई भी अपना मतलब आपका जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन डाल दीजिए, मैं आप लोग बता रहा हूं, तो यहां मैं डाल देता हूं आईएफएससी कोड। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर में आप लोग अपना जो अकाउंट नंबर है उसमें आप लोग अकाउंट नंबर डालिए, ठीक है, थीके? अब ये दोस्तों आप लोग जहां पे भी अकाउंट नंबर है उसमें से एक वर्ड आप लोग जो है चेंज कर दीजिए। आप लोग का जो अकाउंट नंबर है जैसे 9681 कोई भी है उसमें से कोई भी एक वर्ड हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि जहां पे आप लोग का एक है तहां आप लोग दो कर दीजिए, तीन कर दीजिए। मतलब मेरा यहाँ पे 82 था अकाउंट नंबर, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में एक कर दिया है। अब यही सेम मैं डाल दूंगा, ये मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, मैं लेकिन डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अब ये देख सकते हो चुका है। अब आप लोग को यहां मिल जाता है बैक करना है और इसके बाद अकाउंट होल्डर में आप लोग कोई भी जो नाम है वो डाल दीजिए, मैं डाल देता हूं, और वेरीफाई पे आप लोग क्लिक कर दीजिए, वेरीफाइंग योर बैंक डिटेल्स, आप लोग का जो बैंक है वो ऐड हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब ये आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो बैंक है वो ऐड हो चुका है, लेकिन ये हमारा अकाउंट नहीं है, तो हमारा अकाउंट जो है डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो अकाउंट अभी लिंक हुआ है वो फेक अकाउंट लिंक हुआ है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग कोई भी रिटर्न लेते हैं तो इस अकाउंट पे मत लेना, क्योंकि अगर आप लोग इस अकाउंट पे लेंगे रिटर्न तो इसके ही अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो अब यहाँ पे डिलीट हो चुका है, तो अब आप लोग इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग यहाँ पे ये ट्रिक लगा के बैंक अकाउंट अपना मीशो से डिलीट कर लेंगे। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा।
सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।